नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा चौधरी। आज आप लोगों को मैं एक टिप्स बताने वाली हूँ अस्थमा पर। तो अस्थमा पे जब अटैक है और आप उस टाइम आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, जिसे लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ब्रेथ नहीं ले सकते हैं, ब्रीथलेस हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा टिप्स बताना चाहती हूँ जो इमीडिएटली आप क्या करना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट को आप ऐसे उल्टा के भर सुला दीजिए और उसको मुँह नीचे करके, और जैसे कि ये पोजिशन सुला दीजिए और उसको पीठ को मसाज करिए। उसके बाद उसको, अगर आपके पास ग्रीन ग्रेप्स है जिसको बोलते हैं हरा अंगूर, तो हरा अंगूर का जूस निकालिए और जूस निकाल के उसको बॉयल करिए। बॉयल करके गरम गरम वो पिलाइए। ब्लैक चाय बना पीजिए, उसमें ना दूध डालिए ना शुगर डालिए, ब्लैक चाय दीजिए इमीडिएटली। और गर्म पानी का छाती पर चेस्ट में सिकाई करिए और उसको अच्छी तरह से रीढ़ पर जितना हो सके उसको मसाज दीजिए। ये बहुत जल्दी इमीडिएटली, जैसे अटैक आता है लोगों को अस्थमा का अटैक, इसके लिए बहुत अजमाया हुआ ट्रीटमेंट है। आप ये दो चीज़ करिए, उसके बाद जब पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स हो जाए तो उसका बाकी का ट्रीटमेंट है, जैसे हॉट कोल्ड पैक है, हॉट कोल्ड से करना चाहिए, स्टीम देना चाहिए, उसमें आप तुलसी के पात डाल के उसको स्टीम दीजिए रोज़ शाम को। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी उनको मतलब अटैक आए, कम से कम 8 दिन गर्म पानी ही देना है। ठंडा पानी का बिल्कुल उपयोग मत कीजिए, गर्म पानी दीजिए, उसमें हल्दी डालिए और थोड़ा थोड़ा देर पर उसको पिलाइए। ये बहुत ही अच्छा अजमाया हुआ ट्रीटमेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।